आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड होता है जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं एक फैमिली की जनरेशंस को, और उसमें हम ये देखते हैं पर्टिकुलर एक ट्रेट को लेकर हम कि वो ट्रेट आगे नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से एक्सप्रेस हो रही है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक सिंगल ट्रेट की इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैमिली। इसे हम टूल भी कहते हैं जेनेटिक्स के लिए। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड हमें मिल जाता है किसी भी एक सिंगल फैमिली की जनरेशंस का कि एक ट्रेट किस तरीके से एक्सप्रेस हुई है इन डिफरेंट जनरेशन। और साथ ही साथ अगर हम स्टडी करें किसी डिजीज की, जैसे सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, ये कुछ डिजीज हैं, अगर फैमिली में से किसी भी मेंबर को ये होता है तो क्या चांसेस होते हैं आगे आने वाली जनरेशन में इसके ट्रांसफर होने के। तो इसकी स्टडी के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है उसको यूज करते हैं। तो जो ये एनालिसिस होता है ट्रेट का इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली, एक ही फैमिली की हम बहुत सारी जनरेशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस एक पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस की वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है उसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो पेडिग्री स्टडी एक टूल की तरह काम करती है जिसको यूटिलाइज किया जाता है चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर एक ट्रेट या फिर उस ट्रेट से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर एबनॉर्मेलिटी है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है या फिर उसके क्या चांसेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने के। ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसका यूज डोमेस्टिक एनिमल्स के केस में भी किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ पेट्स। पेट्स के केस में हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं किसी भी फैमिली की जनरेशन को तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे स्क्वायर का यूज होता है फॉर मेल, सर्कल का यूज होता है फॉर फीमेल, ये तो है नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल। अगर हम एक ट्री ड्रॉ करें जिसमें फैमिली ट्री जिसमें हम इन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं और ये शेडेड नहीं है तो ये होंगे नॉर्मल, लेकिन अगर यही शेडेड हो तो ये होते हैं अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल, और ये हो जाएगा अफेक्टेड फीमेल। इस सिंबल का यूज करते हैं दिखाने के लिए जब सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। और अगर ये सिंबल आपका शेडेड हो तो इसका मतलब ये भी अफेक्टेड है। जैसे कि हमें पता है स्क्वायर का यूज मेल के लिए और आपके सॉरी स्क्वायर का यूज मेल के लिए और सर्कल का यूज फीमेल के लिए, और अगर हम स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये शो करता है कि
इनके बीच में मेटिंग हुई है, तो ये होता है मेटिंग, विच मीन्स ये आपके फादर और मदर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, तो इनके बीच में मेटिंग हुई है। लेकिन अगर लाइन जो है इस तरह से खींचे, दो हों हॉरिजेंटल लाइन, तो इसका मतलब है कि जो मीटिंग हुई है वो बिटवीन रिलेटिव्स हुई है, बिटवीन रिलेटिव्स, दिस शो द मीटिंग इज बिटवीन द रिलेटिव्स। तो अब तक हमने इन सिंबल्स की बात करी है, कुछ अभी कुछ और भी हैं। आफ्टर मीटिंग क्या होता है, जैसे कि ये अभी हमने बात की, ये एज फादर और मदर जब मीटिंग करते हैं तो जो न्यू जनरेशन बनती है उसके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो वर्टिकल लाइन से फिर हम न्यू जनरेशन में होने वाले प्रोजेनी को डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सर्कल डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गए फादर मदर, स्क्वायर इज फॉर मेल तो ये सन, एंड सर्कल इज फॉर फीमेल तो ये है डॉटर इन द नेक्स्ट जनरेशन। और हम रोमन नंबर से जनरेशन को डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और जो नंबरिंग है चाइल्ड सी कि पहले कौन है और उसके बाद, उसके लिए हम जो नंबर है उन्हीं का यूज करते हैं, 1, 2 लेफ्ट टू राइट हम इन्हें लिखते हैं, इस तरीके से है। अगर इसी को हम 3 में, अगर किसी के पास 3 चाइल्ड्स हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड सन, सेकंड चाइल्ड डॉटर, थर्ड चाइल्ड इज आल्सो डॉटर, फादर मदर सन डॉटर एंड दिस केस इज आल्सो डॉटर। और अगर इसी में हम बात करें नेक्स्ट केस कि ये मीटिंग के बाद जो इन्हें चाइल्ड हुआ है, अगर वो चाइल्ड मेल वाला जो सिंबल है वो शेडेड है, इसका मतलब जो इनका सन है वो अफेक्टेड है विद डिजीज, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। और अगर सर्कल शेडेड हो तो इसका मतलब है पेरेंट विद फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, इस तरीके से होगा। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जब मान लेते हैं सिंबल मेल फीमेल मेटिंग के बाद, अगर आप ऐसे एरोज देख ऐसी लाइंस देखते हैं तो इसका मतलब है ये ट्विंस हैं, ट्विंस। तो इस केस में ये सन है और ये डॉटर है, और ये जो ट्विंस हैं ये नॉन आइडेंटिकल हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। यहां पर सन डॉटर हो गए। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है दोनों सन हो या फिर दोनों डॉटर हो, तो ये होता है नॉन आइडेंटिकल। अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल की, तो आइडेंटिकल वाले केस में क्या होता है, आफ्टर मेटिंग ये जो फॉर्म हो, दोनों ही डॉटर हैं, अगर इनके बीच में भी एक हॉरिजेंटल लाइन है तो ये शो करते हैं कि ये आइडेंटिकल ट्विन्स है, और दोनों ही क्या हैं,
डॉटर्स हैं, बहने हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर ड्रॉ करते तो इसका मतलब यह होता कि दोनों ही आइडेंटिकल ब्रदर मतलब सन हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चार्ट को, या फिर हमें ड्रॉ करना होता है, हमें एक सिचुएशन दे दी जाती है, तो उस केस में हम इन सिंबल्स की मदद से उसे ड्रॉ करते हैं। मेनली आपको मेल और फीमेल के सिंबल्स पता होने चाहिए, फिर चाइल्ड्स को कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को लिखते हैं, इनकी नंबरिंग की जाती है 1, 2, 3 इस तरीके से। अब जो हमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है उसमें से एक का हम स्टडी करेंगे। अभी हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम होते हैं, म्यूटेशन में भी हमने बात की थी, तो वो दो काइंड्स के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर किसी भी डिजीज का क्रोमोसोम इस पेयर पे प्रेजेंट होता है तो वो होगा हमारा सेक्स लिंक्ड डिजीज, और अगर यहाँ ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज। और ये किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हम ये आपका है इन केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है, जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस करेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, उसका क्रोमोसोम ऑटोसोमल है। और इसी के साथ इसमें हम एग्जांपल लिया है सिकल सेल अनीमिया का, जो जीन है इस ट्रेट का ऑटोसोम्स पर लोकेटेड है। और ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, सिकल सेल अनीमिया एक डिजीज होती है, इस डिजीज में क्या होता है, नॉर्मली जो आरबीसी की शेप होती है वो आपकी ओवल शेप सर्कुलर शेप में होती है, लेकिन इस केस में उसकी जो शेप है वो श्रिंक हो जाती है, शिकल शेप की जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। और जिसको भी ये डिजीज होती है उसकी डेथ आफ्टर 12 ईयर हो जाती है। तो ये जो सिकल सेल अनीमिया है, ये डिजीज कब एक्सप्रेस होगी, ये तब एक्सप्रेस होगी जब जो बच्चा है उसके पास दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स होंगे एलील से। HB यानी कि ये आपके हीमोग्लोबिन को डिनोट कर रहा है, S यानी कि सिकल सेल अनीमिया वाला जो इस जीन है वो ये कैरी कर रहा है। A का मतलब है कि ये अफेक्टेड नहीं है, ये हाइट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, ये सिर्फ कैरियर है, इसमें से एक ने कैरी कर रहा है, खा है, और ये होगा नॉर्मल केस आपका HbA। ए की जगह अगर आप यहाँ पे देखेंगे दो सिंबल्स भी हो सकते हैं, इसको आप कैपिटल एच से शो कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल एच कैपिटल एच, यहाँ पर दोनों ही आपके स्मॉल एच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप बस याद रखेंगे कि इस वाले केस में जहाँ पर एस है यानी कि वो अफेक्टेड है जीन, और अगर दोनों ही कंडीशन हो जाएंगी जब किसी भी जीन के ऊपर ये डिजीज वाला सिंबल शो होगा तो वो होगा रिसेसिव, क्योंकि जो उसके साथ वाला अलील है वो एज अ डोमिनेंट वहां पर अपनी एक्सप्रेशन शो करेगा। तो ये रिसेसिव कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास ये जीन प्रेजेंट है कैरियर ऑफ डिजीज का। तो यहां पर हम देखेंगे ये सिंबल होता है मेल का और वो सिंबल होता है फीमेल का। तो अगर हम देखें तो इसमें ये दोनों ही केस में ये दोनों कैरियर हैं, मेल और फीमेल, यानी कि मदर एंड फादर कैरियर हैं। कैरियर होने के साथ साथ ये इनको ये डिजीज नहीं है, लेकिन ये इस डिजीज वाला ये जीन जो है ये कैरी करते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, यानी कि ये जो इनका बेटा है इसको सिकल सेल अनीमिया है, उसके बाद ये जो इनकी डॉटर है इसको सिकल सेल अनीमिया है डॉटर, बाकी नॉर्मल है, अनशेडेड है, और सबके पास जो है ये एक
कैरियर वाले ही हैं ये, चांस है। और इसकी शादी हुई है यानी कि इससे मैरिड है ये, मेटिंग के बाद इनको जो बच्चे हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसको मेटिंग के बाद ये 1st, 2nd और 3rd। इसमें आप देखेंगे कि इस वाले केस में ये एज अ कैरियर वर्क कर रहा था, कर रही थी, ये फीमेल है, तो जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनी है इसका वो वाला जो अलील है वो गया है सन के पास, इसीलिए जो इसका बेटा है वो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है। और इसमें आप देखेंगे ये दोनों कंडीशन हेट्रोजाइगस हैं, तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कि किस तरह से हम एक ट्री बनाते हैं। इसके अलावा आपको एक कंडीशन भी मिल सकती है, कंडीशन मान लीजिए आपके पास हो हीमोफीलिया वाली, इस कंडीशन को भी हम एक स्टडी कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक वुमेन है, अ वुमेन जिसके फादर जो थे वो हीमोफीलिक थे, वो शादी करती है विद अ नॉर्मल मैन। तो अब हमें क्या बताना है, इसके लिए आपको ड्रॉ करना है एक पेडिग्री एनालिसिस और पॉसिबल जीनोटाइप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, फादर जो है हीमोफिलिक है, फादर के क्रोमोसोम XY, तो इसमें ये हीमोफिलिक है, हमने यहाँ पे इसे H से डिनोट कर दिया, मदर XX। अब जो इसकी डॉटर थी, क्योंकि फादर हीमोफिलिक था, इस केस में आप याद रखेंगे XY केस में क्या होता है, Y कंपेरेटिवली साइज में भी छोटा होता है, मेल में X क्रोमोसोम के पास अगर कोई भी डिजीज कैरियर जीन होता है तो वो अफेक्टेड ही हो जाता है। तो जो उसकी डॉटर है उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मैन से, तो व्हाट इज द चांस कि इस पे ट्रांसफर हो, क्योंकि जो फीमेल है वो XX क्रोमोसोम कैरी करती है और जो मेल है वो XY कैरी, तो सबसे पहले XX है, तो दो कंडीशन होती है, या तो दोनों पे ही जो होगा ये कैरी होगा डिजीज जीन, तो उस केस में इसको भी होगा हीमोफीलिया, तो ये डिजीज वाली हो जाएगी। और अगर केस हो कि सिंगल एक पर हो तो यहाँ पर ये वाला जो अलील है रिसेसिव होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, ये सिर्फ कैरियर की तरह काम करेगा। मेल के लिए XY कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर X पर जीन प्रेजेंट है तो ये अफेक्टेड होता है, इसको डिजीज होती है, तो ये केस होता है। अब चांस ये है कि देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी कि XX भी हो सकता है, क्योंकि फादर के पास X और Y था और फादर से जब आएगा तो X ही आएगा, तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं, क्योंकि फादर का एक्स तो डॉटर में ट्रांसफर होगा ही, तभी उस जो प्रोजनी है डॉटर हो सकती है इस केस में। तो ये एक्स, तो ये मदर क्या हो गई, ये मदर हो गई कैरियर, हेट्रोजाइगस कैरियर। तो जो इनकी होने आने वाली जनरेशन होगी उसे देखें अगर हम, ये हमने गैस किया है आने वाली जो जनरेशन है इसके बच्चे होंगे, क्योंकि इतना हमें पता है कि एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आता ही आता है, अब वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, हर केस में एक एक्स क्रोमोसोम होगा ही, वाई क्रोमोसोम फादर से आता है और इस डॉटर के लिए एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, तो चांसेस 50-50 हो जाएंगे इस वाले केस में।
क्योंकि मदर एक कैरियर है, ये वाला क्रोमोसोम ट्रांसफर होने के चांसेस, ये नॉर्मल हो गए और ये हो गए आपके कैरियर, और इन दोनों को डिजीज होगी क्योंकि यहाँ पर जो वाई है रिसेसिव है एक्स के कंपेयर में। तो इस तरीके से हम एक न्यू ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको ये कंडीशन मिलती है तो।